हेलो दोस्तों, फिर तो स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कि जो मुझे भी भरोसा नहीं था कि हो पाएगा। तो दोस्तों, आज मैं गया था ऑफिस, और मतलब ये पहली बार है जब अनु और हमारा न्यू बॉर्न बेबी युवान, उसका नाम युवान रखा है, बताना कमेंट में कैसा लगा। तो अनु और युवान और प्रत्युष भी बोल सकते हैं। सब चले गए, हाँ मम्मी चली गई, दीदी चले गए, आज तपिश भी ऑफिस चले गए, तो घर पे मैं और कुनू पहली बार थे अकेले। और मेरे को बहुत, एक तो मेरे को सबकी बहुत याद आ रही थी, ऐसे खालीपन लग रहा था, और दूसरा मुझे लग रहा था कि चिंगाड़ कैसे मार मार के जो संभालूंगी रोता है वो मैं कैसे संभालूंगी अकेले। न्यूबॉर्न बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। बहुत अगर ज्यादा आप मतलब बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दूं, हाँ, मेंटली प्रिपेयर रहना। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और सोते हैं दिन में, रात को जगते हैं, तो ये तो सभी को पता रहता है। तो अगर नहीं पता फिर भी आपके लिए, पर तो कुन्नू आशीर्वाद हमें दिन में भी दे देता है और दिन भर भी रो सकता है, उसमें टैलेंट है, वो दिखा चुका है हमें। वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो फिर यही टेंशन थी कि अनु कैसे संभालेगी उसे, और सब काम करने होते हैं घर के भी, तो एनी हाउ लेकिन मैनेज कर आज लिया है। आज मैं बताती हूँ, आज सुपरमैन ये बंदा है, इन्होंने सुबह उठ के लंच तक बना दिया, डिनर तक बना दिया, मतलब दाल बना के रख दी, वो हम दोनों टाइम खाने को प्रॉब्लम नहीं है, और रोटियां बना दी मेरे लिए, नाश्ता सैंडविच चीज सैंडविच बना के चला गया, जीत है। और अब दिन फाइनली खत्म हो गया, शाम हो चुकी है, तो अभी ऑफिस तो आया हूँ। हाँ अभी ऑफिस आया, आते इन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा दिन कैसा रहा। स्टंप पार देंगे। वैसे अनु पूछती थी मेरे से कि कैसा गया ऑफिस में दिन। आज मैंने पूछा, हाँ अनु कैसा गया तुम्हारा दिन। और ये हम विक्ट्री मना रहे थे पहले दिन तो की, ये रहा मेरा बैग, और ये रहा कॉन्सोलेशन प्राइज अनु के लिए विक्ट्री कि। पहले दिन की। और ये नोनी ने भी गिफ्ट और भेजा हाँ, है, ये जो है ये आइटम वो गिफ्ट आया आ है गया मेरे लिए आज का दिन, मामा जी की तरफ से, हम दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की बहुत काम कसरी आएगा। वाली स्ट्रगल थी। तो इसको अभी अनबॉक्स करेंगे, उससे पहले हम पियेंगे चाय, और चाय पीने के लिए साथ में कुछ लगेगा, तो रस है, और यहाँ पर है सुशांत खाने का प्रशांत समोसा, कॉर्नर का समोसा। कुन्नू भाई साहब अंदर सो रहे हैं, तो इससे पहले वो जग जाए, तो उससे पहले चाय चुई लपेट लेते हैं। मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं क्योंकि डायरेक्ट बेबी से नहीं मिलते हैं, है ना? आपके यहाँ भी ऐसे होता होगा, डायरेक्ट नहीं मिलते होंगे बेबी से जब बाहर से आते हैं, तो हाथ पैर धो और थोड़ी देर वेट करो, तो वो कर रहा हूँ। और उनका तो जान गया मुझसे भी, तो सो रहा है अंदर ये क्रेडल में, और ये क्रेडल का लिंक दे दूंगा अगर आपको ख़रीदना है तो। अच्छा है, थोड़ा साउंड करता है लेकिन ठीक है, चलेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप का है। हाँ, तो चाय बन गई है, खुशबू आ गई है, वो पीते हैं और फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनुपमा जी, चलिए डू द ऑनर्स। चलो भाई, और दोस्तों ये धीरे धीरे इसलिए खुल रहा है क्योंकि ये हमारे भाई साहब जो हैं ये सो रहे हैं, और गिफ्ट पेपर भी बहुत सुंदर है, तो ये आगे यूज़ हो जाएगा। ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली में यही होता होगा ना। गिफ्ट रैपिंग पेपर जो है उसको संभाल के रख लो। ये लो जी, टन टन। ओ भाई, ये क्या है? रेड कलर का, ब्लैक कलर का, सुंदर है। तो ये है किस कलर का, ये हम देख लेते हैं। नेवी ब्लू ये कलर का है। 4 in 1 बेबी कैरियर, 12 kg तक, तो 1 साल तक का हो जाएगा कुन्नू, तब तक बैठा बैठा कंगारू बना हमारे साथ घूमेगा। चलो जी, निकालो इसे, तो देखने में बहुत ही सुंदर बेबी हग कंपनी है कोई, तो उनका है ये बेबी हग। अब कुन्नू तो कंगारू बनेगा। पता नहीं, देखते हैं, लपकड़ा मैं लेके देखता हूँ। मैंने लिया ही नहीं। हाँ,
करूं क्या? कुनो उछल जाते जैसी आवाज होती। अच्छा, इसके बीच में टांग है यहाँ पे और यहाँ पे, है ना? हाँ। कैसे रखते हो यार? यही मैं चाह रही थी। ये बढ़ जाती है इसकी हाइट, इसको निकाल सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होएगा इसको ऊपर ला सकते हैं। ये नीचे आ गया। पर मेरे को तो और नीचे चाहिए, कुन्नू तो बहुत छोटा है इसके हिसाब से भी। रुको मैं करूँ। हाँ, जिसने सॉक्स भी नहीं पहने ये यहाँ से भी थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा। एक सेकेंड मिलते हैं 202 मिनट के बाद। कुन्नू को टंगा के बोले कुन्नू ले लो। छोटी बॉय, छोटी बॉय आ गया है। इसको सॉक्स भी पहनानी है मुझे, इसको उतारे थे अभी। दो किलो कुन्नू, 2 किलो क्यूटनेस पैक हो गई भाई। गिरेगा तो नहीं ना? इसमें से ये वाला हाथ बाहर आ जाएगा। इसको साफ साफ आता रहेगा ना। ये कहते हैं इसके लिए वो भी अच्छा है, मतलब गैस के लिए भी अच्छा है इनके ना, टमी टाइम टाइप हो जाता है इनका। कुकू कर रहा बोलो, हमने तंग कर दिया इसको। तो ऐसा है कुछ दोस्तों, ठीक लग रहा है मेरे को, हाथ फ्री है मेरे तो ठीक है। बाकी अब इसको सुला लेते हैं। हाँ, नहीं तो गालियाँ देगा अपनी बेबी लैंग्वेज में। ठीक, चलो। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक वाइक करते चले जाना। हाँ, थैंक यू मामू, थैंक यू मामू, थैंक्स मामू ने भिजवाया है। नोनी मामू, हाँ नोनी लीवर केमिकल क्या बोल रहा था आप, तुम्हें केमिकल हो जाए, नोनी केमिकल फर्टिलाइजर, नोनी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हो गए मामू जी। धीरे धीरे बोलने की आदत हो गई ऐसे, पता नहीं वो पान चबाने वाले होते ना उनकी आवाज़ें ही निकलती, पान मसाला चबाने वाले, ऐसी आवाज़ हो गई है मेरी। सुनने धीरे धीरे। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, बात मिलती है दोस्तों।